हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमल कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। आज सेशन में जानेंगे फूड प्रिंटिंग। फूड प्रिंटिंग क्या होती है, एक हैकर फूड प्रिंटिंग के द्वारा कैसे उस जानकारी इकट्ठा करता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ हैकर। हैकर का पहला कदम क्या होता है, पहले हैकर टारगेट बनाता है कि हम कौन सी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम को हैक करना चाहता है, फिर वो टारगेट बना के उसे हैक करना स्टार्ट करता है। उसे जानेंगे नेक्स्ट जियोग्राफिकल लोकेशन। कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पार्टिकुलर सिस्टम किस लोकेशन पर है या कौन सी और लोकेशन पर वो वर्क कर रहे हैं, ये सब हैकर जानने की कोशिश करता है। व्हाट इज आईपी डिटेल। वो ऑर्गेनाइजेशन कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पार्टिकुलर सिस्टम किस आईपी पर लीड कर रहा है, किस आईपी एड्रेस पर लीड कर रहा है, किस नेटवर्क पर वर्क कर रहा है, ये फूड प्रिंटिंग में आता है। नेक्स्ट सिस्टम सिक्योरिटी फायरवॉल डिवाइस। कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना नेटवर्क डेवलप किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी नेटवर्क डिवाइस लगी हुई है, वो सब चेक कर रही है। वो नेटवर्क डिवाइस लगी हुई है जिसके द्वारा अगर कोई हैकर अटैक करता है, वो सारी नेटवर्क डिवाइस उसे प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम सिक्योरिटी और फॉरवर्ड डिवाइस, वो सब मुश्किल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट साइज ऑफ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका साइज कितना बड़ा है या किस लेवल का वो नेटवर्क है, ये सब फूड प्रिंटिंग में आता है। गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटोकॉल। कोई बंदा है उस कंपनी का, कोई ना कोई बंदा उस कंपनी के प्रोटोकॉल पर रन तो कर ही रहा होगा, उस पर काम तो कर ही रहा होगा। ऐसे ही एक हैकर होता है, उसे कौन सा बेस्ट प्रोटोकॉल है जिससे वो उसके द्वारा उस कंपनी या प्रोटोकॉल को जानकारी निकाल सकता है या उसे क्रैक कर सकता है या हैक कर सकता है। ठीक है, ये सब फूड प्रिंटिंग में आता है। ओएस विंडो रेड अदर वेंडर। माना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट, वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहा है अपने सिस्टम में, या अदर वेंडर पर काम कर रहा है, जैसे कि विंडो सिस्टम पे काम कर रहा है या रेड हैंड विंडो पर काम कर रहा है या अदर वेंडर पर, ये सब फूड प्रिंटिंग में आता है। टाइप्स ऑफ फूड प्रिंटिंग। फूड प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है। फूड प्रिंटिंग दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव पैसिव। पहले हम फूड, ये एक्टिव और पैसिव, ये एक प्रोसेस है जानकारी इकट्ठा करने का। सबसे बेस्ट पहले हम पैसिव फूड प्रिंटिंग डिस्कस करते हैं, बाद में फिर डिस्कस करेंगे एक्टिव फूड प्रिंटिंग। नेक्स्ट पैसिव फूड प्रिंटिंग। इन दिस प्रोसेस अटैकर नेवर मेक एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन टारगेट। एक हैकर बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किए बिना अदर साइटों से उसे जानकारी इकट्ठा करता है, फिर इकट्ठा करके उस जानकारी बिना कांटेक्ट किए उसे टारगेट को अपना विक्टिम बनाता है, मतलब हैक करने को हैक करता है। अदर साइटों से वो जानकारी लेता है, इसकी गूगल सर्च इंजन सबसे बेस्ट ऑप्शन है जानकारी इकट्ठा करना एक हैकर के लिए। हैकर क्या, वो बिना बताए किसी टारगेट सिस्टम को, वो तो सीधे वो टारगेट सिस्टम को थ्रू कॉन्टेक्ट कर रहा है, वो तो सिर्फ गूगल सर्च इंजन को कॉन्टैक्ट कर रहा है, इसके थ्रू वो जानकारी ले रहा है कि वे हैकर किस किस आईपी प्रोटोकॉल क्या है, उसका ईमेल क्या है, फ़ोन नंबर, ये सारी जानकारी एक गूगल सर्च इंजन से लेता है। ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। पहले दूसरा फिर है सोशल साइट के द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के द्वारा आजकल यूज़र का जैसे प्रोफाइल बनाते हैं, उस पर सारी अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर देते हैं, उसके द्वारा जैसे कि ईमेल, फ़ोन नंबर, लोकेशन, वाइट, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। सबसे जैसे ही बेस्ट ऑप्शन है हुईज़ उस कोरी। ठीक है,
उससे सोशल साइट के थ्रू एक हैकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट www.hackersforcharity.org, इसकी मदद से भी हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आने वाले अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिकल से। बने रहिए आप इस चैनल को और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट www.exploitdb.com, इसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल जैसे कि www.example.com, जैसे कि हम उसका सर्वर नाम जान सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट का भी सारी डिटेल हम जान सकते हैं एक वेबसाइट के थ्रू। आने वाले अगले वीडियो में प्रैक्टिकल करके जानेंगे। ठीक है नेक्स्ट www.websiteinforma.com, इसकी मदद से भी हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट एक्टिव बैम मिररिंग का मतलब बैम मिररिंग होता है, जैसे कि गूगल से ऑल डाउनलोड कंटेंट फॉर ऑफलाइन, मतलब गूगल से सारे ऑल डेटा उसने डाउनलोड कर लिया और फिर इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर दिया। ये तो बहुत अच्छा प्रोसेस है, हम फिर डिसकनेक्ट करेंगे सारे, ऑफलाइन भी तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं डिवाइस को। ठीक है फ्रेंड, ये आगे आने वाले वीडियो में प्रोसेस बताऊंगा, सारा सब कुछ करके बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल पर। नेक्स्ट एसटी ट्रैक आईमाइजर, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी भी जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम आगे आने वाले सेशन में जानेंगे। ईमेल ट्रैकिंग प्रोसेसिंग पाथ ऑफ ईमेल, इसके द्वारा ईमेल ट्रेसिंग हम जानेंगे कि प्रोसेस ईमेल कहाँ से आ रहे हैं, किस सर्वर से आ रहे हैं, सारा इस कंपनी कॉन्टैक्ट किस से होकर आ रहे हैं, ये हम जानेंगे ईमेल ट्रैकिंग के द्वारा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हु इज सेंडर, किसने भेजा है, कौन भेज रहा है, किसके लिए भेज रहा है, व्हाट इज रिसीवर, किसके लिए भेज रहा है। नेक्स्ट व्हाट इज आईपी डिटेल, कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम किस आईपी एड्रेस पर लीड कर रहा है, किस आईपी एड्रेस से कांटेक्ट कर रहा है, से सब कुछ ये आईपी डिटेल्स से जानेंगे। टूल ईमेल ट्रैकर प्रो, इसकी मदद से हम ईमेल कहाँ से आ रहे हैं, किस सर्वर से होकर आ रहे हैं, ये पोलाइट ईमेल इसके थ्रू हम इस टूल की मदद से जानेंगे। सर्वर वेरिफिकेशन का मतलब होता है किस सर्वर वो किस किस से कांटेक्ट हो कर रहा है, या सर्वर वेरिफिकेशन कैसे काम कर रहा है, ये सारे सब सर्वर वेरिफिकेशन के फुटप्रिंटिंग में आता है। नेक्स्ट हैकर पिंग द पीसी, हैकर पिंग कमांड के द्वारा एक पीसी को कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा जानने की कोशिश करता है कि पीसी वो ऑन है या नहीं, यानी पीसी अलाइव और नॉट, पीसी ऑन है या नहीं, ये जानने की कोशिश करता है। ping google.com कमांड के द्वारा हम गूगल के किसी एसएमएस, फॉर एग्जांपल abcd.com के द्वारा हम google.com की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कलेक्ट ऑल राउट डिटेल बिटवीन हैकर एंड विक्टिम, मानिए एक हैकर है और वो विक्टिम एक टारगेट है, अगर हैकर उस टारगेट को हैक करना चाहता है तो पहले उसे कनेक्शन बनाएगा कि सर्वर से वो किस सर्वर से वो डिवाइस कम्युनिकेट कर रही हैं, यानी कोशिश करेगा। मान लिया उस हैकर ने तो उसे टारगेट तो हैक कर लिया, फिर अब उससे बचना कैसे, ये भी तो उस हैकर को समझना चाहिए, क्योंकि वो बचने का भी प्रोसेस बनाएगा ना, उससे निकलना कैसे है, ये भी एक करेक्ट ऑल राउट डिटेल हैकर बिटवीन इसके थ्रू फुट प्रिंटिंग में आता है। नेक्स्ट कलेक्ट पाथ ऑफ नेटवर्क, एक हैकर के पास नेटवर्क की सारी डेटा होनी चाहिए। GHDB की फुल फॉर्म होती है गूगल हैकिंग डेटाबेस, इसके आने वाले वीडियो में अगले सेशन में हम जानेंगे। फ्रेंड अब वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, वरना
आप बोर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर हमारे आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू, गुड बाय, टिल देन।